किडनी का पॉइंट कहाँ आता है सुजोक में, तो ये इस तरह से देखिए हमने ये हमारे दो हाथ हो गए, हाथ साइड और ये पैर चिपका हुआ आपस में, और ये इस तरह से ऊपर जाएंगे, ये जहां पे हमारा हाथ ये ऐसे जाके रुक गया खड़ा आता है ना। अब यहाँ पे भी डायग्राम पे देखेंगे कि हमारा ये L1 है और ये कहाँ पे है, और ये जहाँ पे थोरेसिक खत्म हुआ है 12 और फिर लंबर शुरू हुआ है, तो यहाँ के बीच में है ना, तो यहाँ पे भी देखिए ये यहाँ से लंबर शुरू हुआ है, आप हाथ रखेंगे बीच में तो ये लंबर यहाँ से शुरू हुआ है, तो इसके सीध में ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जैसे ही आप ऐसे देखिए ये यहाँ गए अपने आप हाथ रुका, यहाँ गए यहाँ रुका, तो ये दोनों पॉइंटों के ऊपर हमें क्या करना होता है, अब चेक करना होता है, ये हल्का सा पेनफुल होना ही चाहिए, आप भी अपना चेक करें, दुख रहा है क्या, अगर दुख रहा है देखिए दुखेगा, हल्का सा पेन आएगा, ये बॉडी में अगर सूजन रहता है, यूरिन इन्फेक्शन रहता है, तो किडनी को भी ये स्ट्रेंथ देता है, और यही ऊपर एडिनल ग्लैंड होती है, ये सबका पेनफुल होना चाहिए, अगर पेन बिल्कुल, यह स्ट्रेस को भी कम करता है ना, तो स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है एडिनल ग्लैंड पे प्रेशर देना, तो तनाव है चिंता है, ये देखिए ऐसा लगेगा कि किडनी को किसी ने टोपी पहना दी हो, है ना, कैप, दोनों साइड है, यस यस दोनों साइड है, तो एडिनल ग्लैंड का जो ये बिल्कुल कैप है वो हमारा क्या हो गया, एडिनल ग्लैंड का जो ऊपर है यही किडनी का जो टॉप है, टॉप ऑफ द किडनी दैट इज एडिनल ग्लैंड, तो अगर यहाँ पे आप डेली दबाव देते हैं तो स्ट्रेस भी कम होता है, तनाव कम होता है, माइंड स्विंग होता है आपका, तनाव चिंतित है किसी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो एडिनल ग्लैंड को जब एक्टिवेट करेंगे तो माइंड आपका स्विमिंग चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना, तो इस तरह से एक ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो मन को अच्छा करे, स्ट्रेस को कम करे, तनावपूर्ण जीवन को कम करे, तो सिंपल यहाँ पे आप किडनी बीन्स भी लगा सकते हैं, राजमा लेंगे, राजमा को टेप चिपका देंगे और यहाँ से दोनों एक दूसरे को इसी तरह से राजमा दिखता है, तो टेप लेंगे और टेप दीजिए, टेप निकालो, अपने टेप दे दिया है, तो टेप होगा, तो टेप के ऊपर राजमा लगाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे, तो इस तरह से टेप लेंगे आप, है ना, और टेप के लेंगे और ऐसे राजमा चिपका देंगे और यहाँ पे एक एक राजमा यहाँ एक यहाँ, तो इससे शरीर का सूजन कम हो जाएगा, आप देखेंगे नींद अच्छी आएगी, इवन मोटापा में भी थोड़ा सा कम लगने लगेगा, यूरिन खुल के होने लग जाएगी, शरीर बहुत हीट रहता है शरीर में तो हीट कम हो जाएगा, है ना, तो मन की स्थिति अच्छी होगी, मोटापा में भी फर्क पड़ेगा क्योंकि यूरिन बढ़ेगी तो टॉक्सिन शरीर के निकलेंगे, अब ऑब्वियसली आपको खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, केवल इसी से नहीं, लेकिन अगर आप ये लगाते हैं तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डियां भी अच्छी होंगी, यूरिन अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा, तो किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इवन बाल भी अगर कम हो रहे हैं तो भी बाल पे भी हेल्प करेगा, स्कल्प को अच्छा करेगा, हड्डियों को भी अच्छा करता है, तो इस पॉइंट को अगर घर बैठे जरूर प्रेशर भी दे और आप यहाँ पे राजमा लगा लें, इससे यूरिन खुल के हो, पेशाब में जलन होती है, बार बार उठना पड़ता है, यूरिन अच्छे से नहीं होता है, ड्रॉप ड्रॉप होता है, तो भी प्रोस्टाइटिस है तो यूरिन प्रॉपर होगा, यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता है, जलन होता है, छोटे अगर स्टोन भी छोटा मोटा फॉर्म हो रहा है किडनी के अंदर, तो भी आप इस पॉइंट पे जाकर के क्या लगाएंगे, राजमा लगाएंगे, किडनी बीन्स लगाएंगे, तो इस तरह से आपकी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। डायबिटीज के लिए भी, डायबिटीज के भी लगाएं, डायबिटीज में भी यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी इफेक्ट होता है, तो डायबिटीज के केस में भी लगाएं, बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है, तो आप अपने किडनी को हेल्दी रखें। थैंक यू।